everyone, welcome back to my channel. This is Amber and right now हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। कल हमने देखा इलेक्शन का दिन था और पहले तो रिजल्ट जो सामने आए थे हल्के इंसाफ लीड ले रही थी, लेकिन उसके बाद फिर आज सुबह हमेशा की तरह अगले दिन रिजल्ट तब्दील हो जाते हैं और हो गए। पाकिस्तान के लिए ये तमाम तरह चीजें कैसी रहेंगी? मेरे साथ हैं सुलाफे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। आपके साथ होकर और ज्यादा अच्छी हो गए। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के लिए ये साल कैसा रहेगा? ये इलेक्शंस कैसे रहेंगे? जो भी गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान के लिए कैसी रहेगी? सुलाफे के पास है टैरो कार्ड्स और टैरो कार्ड की जो रीडिंग है पाकिस्तान के लिए सुलाफे करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने सोचा कि जाहिर है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अपना मुल्क होता है, उसमें क्या हो रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मैसेजेस है आवाम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर चेंज हम लोग ही ला सकते हैं, आवाम ला सकती है। तो आवाम तो कोशिश करती रहती है और हम कोशिश करते रहते हैं कि हम लोग फिर भी जिंदा कौम है, हम कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है और क्या आगे चलेगा। पहले सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के हालात के लिए फिर भी जो गुड न्यूज़ हम लोग देख रहे होते हैं, नो बेटा नो, अच्छा जो गुड न्यूज़ देख रहे होते हैं कि साल के एंड तक आप थोड़ी सी बेहतरी इसमें नोट कर सकते हैं। अल्लाह के पाकिस्तान के हालात में कुछ बेहतरी होगी, लेकिन अगर हम अभी देखेंगे ये क्या हो रहा है, तनाज़े चलेंगे, बहस होगी, अपने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट होता रहेगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज लोग ज़ाहिर आवाम चीखेगी, बातें होंगी कि ये अनफेयर हुआ है, ये जो भी हालात है, सारे आपस में लड़ेंगे ज़रूर, बट जो जहाँ इस टाइम पर अभी खड़ा हुआ है वो खड़ा है, तो वहीं के वहीं रहेंगे। नई गवर्नमेंट बनेगी PML-N की, जी वो यही तो नज़र यही आ रहा है कि इनका PML-N का ज़्यादा ज़रा मुझे वो ज़ोर शोर नज़र आ रहा है। और लेकिन इसके बाद देखो, ये तो हमें नज़र आ गया कि जो अब हुआ और सामने आ रही हैं रिजल्ट्स, टॉपर भी हुए लीडर्स, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन कुछ लीडर्स की जान को खतरा भी है, तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। इट हैपन्स, सियासत यही चीज़ है कि उसके अंदर कुछ खौफ भी होता है, कुछ ये चीज़ें होती हैं, बट हम फिर भी देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए क्या ये चीज़ें बेहतर होंगी। सो हाँ, करना ये है कि इस टाइम पर प्रेशर बहुत है, चाहे वो PML-N हो, PPP हो या कोई भी पार्टी हो, उस पर इस टाइम प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इस दफ़ा आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। तो आप ये थोड़ी सी स्पीड लगाना चाहेंगे कुछ कामों में, और जिसका रिजल्ट हम साल के 10वें माह के बाद देखना शुरू करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन जो हमारे हिस्ट्री में होता रहा है कि जाली किस्म की इन्फ्लेशन को जब कंट्रोल किया जाता है और जाली किस्म की चीज़ें वो दिखाने के लिए आवाम को की जाएंगी, बट इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आती नजर आएगी। सही, और आप ही नहीं सकते ना, देखें आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा के, अपनी इम्पोर्ट्स कम करके, आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं है, आप क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, आप क्या दुनिया को भेजेंगे, आपके पास इंडस्ट्री नहीं है, आप क्या करेंगे, आपके पास ज़राअत कोलैप्स हो रही है, और यूनिटी नहीं है। प्रॉब्लम ये यूनिटी नहीं है, तनाज़े हैं आपस में, उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा। खान साहब के बारे में बताएं, खान साहब की सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि लोगों ने खान साहब के लिए निकल के वोट दिया है, आप माने ना माने एक्सेप्ट करें। अच्छा, खान साहब इज पॉपुलर और खान साहब पॉपुलर ही रहेंगे और उनका जो फेम है वो मुझे कम होता नजर नहीं आता, और वो बल्कि टाइम के साथ ज्यादा हो जाएगा, एंड साल के फर्स्ट हाफ के बाद ये पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ेगी और चांसेस हैं कि खान के हक में कोई फैसला हो भी। रिगिंग की जो बात हो रही है, लोग एक्सेप्ट करेंगे ये रिगिंग को, यार एक्सेप्ट करते नजर नहीं आ रहे। ये कम नहीं होगा और ये चलता रहेगा, तनाज़े चलेंगे सारी पार्टीज के दरमियान में। और दूसरा एक और बात, किसी भी पार्टी में कोई इत्तेफाक अगर शुरू में किसी को नजर आ रहा है, ये झगड़े पड़ेंगे आगे आने वाले दौर में। जो लग रहा था कि इकट्ठे पार्टी बनाएंगे, इकट्ठे हुकूमत बनाएंगे, PDM वगैरह, ये सारे इन सब के आपस में झगड़े, सारे तनाज़े एक दूसरे पे, इल्जाम जिस तरह की हमारे सियासत और वैसे ही चलेगी। बट आवाम जो है ना इस चीज़ को इस दफ़ा एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी। सोशल मीडिया पे चीज़ें ज़्यादा होती नजर आती हैं। असल में वही बात है ना कि आवाम चुप थी, कि आवाम को लग रहा था कि हम वोट से बदला लेंगे, लेकिन आवाम का वोट का अगर मैंडेट चोरी होगा और अपेरेंटली होगा कि रात को रिजल्ट्स कुछ हैं, सुबह रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं, तो इस वक्त पर अंबर डोर किसी के भी हाथ में कम्प्लीटली नहीं, ना आवाम पूरी टाइम पे बात तैयार है, ना कोई होने देगा और ना दूसरे लोग इस टाइम पर बात तैयार रहते हैं। हर किसी के अपनी लिमिट है, कहीं पर इंटरनेशनल प्रेशर भी है। और एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि बाहर के ममालिक में जितने लोग रहते हैं वो लोग ही खान का साथ दे रहे हैं, दे आर लाइक कि हमें ये लीडर चाहिए वापस। और खान के हालात की जहाँ तक हम बात करते हैं, अभी उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी साल के फर्स्ट हाफ के बाद, उनके लिए एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज अगर फर्स्ट हाफ के बाद न्यूज़ ना आना शुरू हुई तो ये अरसा बहुत फिर लंबा खिंचता चला जाएगा और खान साहब को बहुत ज़्यादा भी पेशेंस दिखाना होगा। और खान साहब का प्रॉब्लम सिर्फ उनके साथ ये आ रहा है कि उनको धोखे उनके अपने ही लोग दे रहे हैं और ब्लैक शीप अभी भी उनके साथ मौजूद मुझे नजर आती है, अपने ही लोग धोखा देंगे। उनके इतने लॉयल लोग नहीं है जो आवाम को लग रहा है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप सिर्फ अपने मतलब की खातिर है। और सेम आपने खुद देख लिया होगा, हालात वैसे भी खान साहब के साथ यही हुए हैं कि जो लोग कभी उनका साथ देते थे उसके बाद वही उनके खिलाफ गए हैं। तो ये बात ही नहीं किसी को खरीदा, ये वो लॉयल थे ही नहीं। हाँ, तो इस वजह से ये चीज चलती रहेगी, खान के साथ धोखे होते रहेंगे। बट अच्छा, खान साहब दोबारा पावर में आते नजर आ रहे हैं इन फ्यूचर, बिकॉज देखें अभी बहुत टाइम है खान के वापस आने में। बहुत सारे लोग जो टैरो कार्ड्स को जानते हैं तो उनको ये पता होगा कि ये कार्ड आना इस वक्त तो अच्छी बात नहीं है खान के लिए, बिकॉज इट्स गोना टेक टाइम। अभी हालात खान के हक में नहीं है। हाँ, पॉपुलैरिटी और जो हम ये बात कर रहे हैं कि लोग इतना ज़्यादा चाह रहे हैं कि खान आए, बट क्या ये हो सकेगा कि जो आवाम चाह रही है? इस टाइम पर सब कुछ 50-50 नज़र आता है और अचानक से ये नहीं होगा कि खान बाहर आ जाए, और टाइम लगेगा इस चीज़ में, आएंगे जरूर। अच्छा, खान साहब की सजा में कोई कमी, कोई प्रॉब्लम्स जो, जो जो इतने केसेस बने हैं, खान साहब का खुद मुझे लग रहा है कि खुद अपना कोई मंशूर, अपना कोई पर्सपेक्टिव, अपना कोई फैसला चेंज करते हुए नजर आते हैं, अपनी कोई चीज चेंज करते हुए। हो सकता है कि खान साहब का जो इतना एक स्ट्रांग स्टांस है अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, उसमें थोड़ी सी कमी आए। हो सकता है कि उनको समझाया जाए, जो कि खान के एक्चुअली जो माइंड किस तरह से काम करता है, खान का माइंड सिर्फ एक ही तरह से काम कर सकता है, आप उसे डबल माइंडेड नहीं कर सकते। फैसला नहीं चेंज करवा सकते, तो ये मुश्किल है एक्चुअली। इसी पे तो टाइम लग रहा है कि कन्विंस करने की कोशिश है कि अच्छा इस तरह कर लो, सेटलमेंट कर लो। खान के लिए सेटलमेंट करना मुश्किल है, बट अब वो फिर कहीं पर आकर एक पेज पर आने की कोशिश होगी खान के साथ, बट इट्स गोना टेक टाइम, बिकॉज अगर कोई रिजिड हो रहा है तो वो खान। अच्छा, यानी खान साहब स्टैंड लेके खड़े हैं, नजर आ रहे हैं। कोई रिजिड है तो वो वही उनकी तरह। खान साहब बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट नजर आ रही है कि खान साहब के साथ कोई मामला बेहतर करना चाह रहे हैं। हमारे जो जिन्हें हम अक्सर जर्नलिज्म में भी कह रहे होते हैं हुकाम वाला और ये सब, ये सारे एक्चुअली कहीं ना कहीं इस टाइम पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि चाह रहे हैं कि हालात को ठीक, आवाम का प्रेशर बहुत है, बिकॉज आवाम का और बाहर की आवाम का जो मैं कह रही हूँ ये बहुत कम हुआ है कि किसी लीडर के साथ बाहर के लोग भी जुड़े हो। हाँ, वो भी कह रहे हो कि नहीं यार हमें यही चाहिए, तो वो अब प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है। और उस वजह से जो हालात आप वैसे भी देखें जो वॉर के चल रहे हैं बाहर के, और हालात इस तरह के हो चुके हैं कि पाकिस्तान पर प्रेशर है। अच्छा, अमेरिका की तरफ से जो एक देखा था कि वहाँ अगर रिजीम चेंज होता है या वहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है तो वहाँ भी इलेक्शन का साल है, तो क्या उसके असरार पाकिस्तान में आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ट्रम्प के हालात बिल्कुल वो हैं जो खान के हालात हैं यहाँ पे, यानी कि ट्रम्प जो है वो इस पॉपुलर बहुत ज्यादा है। जो बाइडन को हेल्थ के मसले नजर आते हैं बहुत ज्यादा, जो कि आगे आने वाले टाइम में बढ़ते हुए नजर आते हैं। और ट्रम्प वाकई अगर तो वो रिजीम चेंज होती है तो फिर तो डेफिनेटली यहाँ भी होगी, लेकिन अभी ये हम इसका ज़ाहिर टाइम से पहले इस चीज़ को नहीं कह सकते। बट यूएसए में हालात वैसे भी सियासत के स्टेबल हो या ना हो, यूएस में कोई चीज़ें चेंज होती हुई नजर आती हैं, जिस वजह से वहाँ पर भी इन्फ्लेशन और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ भी चल रहे हैं जेनोसाइड के खिलाफ, लेकिन वहाँ स्टेबिलिटी नजर आ रही है। अच्छा, वहाँ स्टेबिलिटी नजर आ रही है तकरीबन साल के एंड वाले जो 4 माह हैं आप उसके अंदर देखेंगे कि यूएस में कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और इलेक्शन भी आई थिंक नवंबर में। अच्छा, पाकिस्तान में भी बाय द एंड ऑफ द ईयर चीजें बेहतर, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज। गवर्नमेंट अपना टेन्योर जो भी बन रही है क्योंकि बनती नजर तो आ ही रही है कि किसकी बन रही है, जो हालात चल गए हैं, हालांकि वोट उनके अगेंस्ट है, क्या टेन्योर पूरा कर सकेगी या दोबारा इलेक्शन नजर आ रहा है? गवर्नमेंट 3-3.5 साल पूरे कर जाती है जैसे पहले हुआ है, अगर 3-3.5 तक स्टेबल है। अगर इससे पहले गड़बड़ आना शुरू हो गई, आवाम का प्रेशर बढ़ गया, मुल्क में तनाज़े होना शुरू हो गए, तो फिर आप समझे कि ये वाली हुकूमत भी पूरा अपना टाइम नहीं कर सकती। ओके, सो ये तो थी जनाब हुकूमत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें। सुलाफे, इकनॉमिकली पाकिस्तान बेहतर होता नजर आ रहा है क्योंकि बड़े मामला खराब है। हाँ, ये तो ये सीरियसली तो इंडिविजुअली भी अगर हम इस मसले को देखें, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, ये हम सबको इफेक्ट करना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में जो ग्रोथ, अच्छा पाकिस्तान का बहुत सारे चीज़ों के साथ मुझे या मुल्कों का अलाइंस नज़र आता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर होती नज़र आती है, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए नज़र आते हैं और जो पहले प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं उनको ये बनाते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ होगी। अच्छा आप लेकिन वो ग्रोथ का टाइम जो है ना, वो अभी टाइम लगेगा, तकरीबन इमीडिएट नहीं है, इमीडिएट प्रोजेक्ट ये नए आने वाले लोग भी करने की कोशिश करेंगे, हमें दिखाने के लिए कि देखिए हम काम कर रहे हैं, बिकॉज़ उन पे प्रेशर। तो वो जाहिर है जब आप मैंडेट के साथ नहीं आते, जब आप डंडे के साथ आते हैं तो फिर प्रेशर, तो फिर आपको काम जो है करना पड़ेगा और ये करेंगे भी, बहुत हद तक करेंगे कि देखें हम आपका ट्रस्ट एक तरह से जीतना चाहते हैं। सो लेकिन जो नजर आ रहा है आधे से ज्यादा आवाम जो है ना अब इसको एंड तक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अच्छा चले, लेट्स सी कि पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होता है, लेट्स होप फॉर, जो कुछ भी हो मेरी यही दुआ होती है हमेशा हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, बिकॉज हमारा किसी से भी पर्सनल कंसर्न नहीं होता। अगर हम ये कहें कि वो लीडर है ये है, हम कहते हैं हमारा यही था कि जो थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगी, इसलिए करूंगी कि देखो हम ये चाहते हैं कि जो पॉपुलर लीडर है, जो आवाम का लीडर है, जिसको आवाम ने मान लिया, गलत है सही है, आवाम बेवकूफ है पागल है जो मर्जी है, ठीक है पागल है आवाम बेवकूफ है, लेकिन अगर आवाम मान रही है तो आवाम फिर उसके लिए ना कहते हैं ना पेट पे पत्थर रखने के लिए भी तैयार होती है। हाँ, लेकिन जिनको आवाम मैंडेट नहीं देती उसके लिए आवाम पेट पे पत्थर रखने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वाकई ये चीज जो होती है ना, ये इस तरह के फैसले होते हैं आप जबरदस्ती किसी से नहीं करा सकते कि भाई आप हमें एक्सेप्ट करें। तो मेरा सिर्फ यही होता है कि जो भी लीडर है लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि जो भी अब लीडर आए, जो भी लीड करना चाह रहा है वो प्लीज मुल्क के लिए काम करे, बट एक मैसेज अगर ये हमारे लोगों तक पहुंच जाए, अगर हमारी सियासत में कहीं ना कहीं अंदर यूनिटी हो ना, और यूनिटी इस बेस पर हो कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है जो कि नहीं है, वहाँ बेहतरी शुरू, ये रिवेंज की सियासत चलती रहेगी, ये रिवेंज की सियासत अगर खत्म हो, लेट्स होप कि ये रिवेंज की सियासत खत्म हो, लेट्स होप कि हम आवाम के मैंडेट को एक्सेप्ट करें, लेट्स होप कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस कम हो, और लेट्स होप कि हम पॉपुलर लीडर को आवाम में दें। बिल्कुल ये है, और जो एक्चुअली हमारे इस मुल्क की बेस्टेबिलिटी तब आएगी जिस वक्त हम आवाम के मैंडेट को एक्सेप्ट, क्योंकि इस टाइम पर आवाम खुश नहीं, और जब आवाम खुश नहीं होती तो उस मुल्क का आपको पता है क्या हाल है। थैंक यू सुलाफे, थैंक यू सो मच। लेट्स होप के मामला बेहतर होते नजर आए, फॉर द बेस्ट। तब तक डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस बनाते रहें तो कीप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को हिट करें, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें एंड पॉजिटिव रहें। याद रखें इन चीज़ों से मायूस नहीं होना, होप रखनी है, और जब तक हम होपफुल रहेंगे तब तक अल्लाह ताला रिजल्ट देता रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।